अब मुजरा उजरा भी आ गया है जी। कुछ दिन में घुंघरू आ जाएगा। सत्ता से बेदखल हो रहे हैं तो परेशान होना स्वाभाविक है। जब कोई परेशान होता है तो उसे अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रह जाता, वो बाकी बातें कर लेता है। जो एक मंत्रिपरिषद में बैठा हुआ आदमी जो निर्णय ले सकता है, एक कोई साधारण सांसद या विधायक नहीं ले पाता। ये टिकड़म वाला वोट हटा दीजिए तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के आधार पर वोट देने वालों की तादाद इतनी नहीं है, वो 10 सीट नहीं निकाल सकते, डबल फिगर में नहीं जा सकते। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं अंतिम चरण से पहले माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आप तमाम सारी रैलियों में बयान देख रहे हैं, बयानबाजी में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ये भी आपने देखा। और हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है तो गाजीपुर की पब्लिक का माहौल क्या है, मूड भी आप समझ रहे हैं। गाजीपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मौजूदा जो सांसद हैं, जो बसपा से रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, तो दूसरी तरफ आपने देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन से अपना प्रत्याशी पारसनाथ को उतारा। और बसपा से आप देख रहे हैं उमेश सिंह की बात की जाए तो तमाम सारे लगातार अपनी बयानबाजी से सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। बात करते हैं भाजपा में नकली माफिया हैं, असली माफिया समाजवादी पार्टी में इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ट्रॉल हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय अफजाल अंसारी बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे कि पब्लिक का इस समय रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है और क्या कुछ बातें हो रही हैं। अफजाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। आपका भी स्वागत है गाजीपुर की धरती पर। पब्लिक से रिस्पॉन्स कैसा है अभी? हम लोग तो पब्लिक के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और उनसे समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाकी पब्लिक क्या सोच रही है ये तो 4 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा। पिछली बार बसपा सपा गठबंधन से आप सांसद बने, बसपा पीछा नहीं छोड़ रही, उमेश सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं, तमाम सारे बयानबाजियां कर रहे हैं, माफिया तक के कहा जा रहा है। अपने अपनी सोच, अपनी अपनी जुबान, हमें उन्हें कुछ नहीं कहना है। वो एक कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरू की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति में छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, महामंत्री रहे, फिर दिल्ली में एक लंबा करियर है उनका समाज सेवा का, राजनीति का। अपनी किस्मत आजमाने के लिए गाजीपुर में वो भी प्रयासरत हैं। काफ़ी साइलेंटली काफ़ी सारी बातें बोल देते, पब्लिक आपको मसीहा तक बोलती है यहाँ पर। हमने कहा कि ये किसी को उसके अपने समझ पे डिपेंड करता है कि वो किसको किस एंगल से देख रही है। और हमें अब जो जिस एंगल से देखे उसका कोई बुरा नहीं लगता। बिल्कुल, 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन अगर भाषा शैली की बात की जाए शीर्ष नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी की, तो भाषा शैली लगातार बदल रही है। भैंसों तक की बात हो जाती है, मंगलसूत्र तक की बात हो जाती है, पाकिस्तान का एंगल भी जोड़ा जाता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अब मुजरा उजरा भी आ गया है जी। कुछ दिन में घुंघरू आ जाएगा। अब हताश हैं, जैसे जैसे 6 राउंड का चुनाव, अब 7वें राउंड में बची खुची खसर पूरी हो जाएगी। सत्ता से बेदखल हो रहे हैं तो परेशान होना स्वाभाविक है। जब कोई परेशान होता है तो उसे अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रह जाता, वो बाकी बातें कर लेता है। 6 चरण का मतदान हो चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, आपके बड़े नेता अखिलेश यादव की बात करें, पूर्ण बहुमत की बात करते हैं, क्या मानते हैं अभी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ चुका है या 7वें चरण का मतदान की भी अभी ज़रूरत? लगभग हाँ नहीं, 7वें चरण के मतदान के बाद 300 से ऊपर जाएगा इंडिया गठबंधन, ये स्थिति बन चुकी है। अब सरकार बनाने के लिए एक मजबूत सरकार बन जाए और बाकी प्रोग्राम इन लोगों ने जो अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए से जनता के बीच में दिया है उससे जनता बहुत खुश है और उसमें
बहुत सूझबूझ के उन मुद्दों को जो जनता के सरोकार के सवाल हैं उनको उन्होंने उसमें लिया है और बहुत राहत महसूस कर रही है जनता कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उन सवालों पर जिस पे बीजेपी ने धोखा किया था उन सवालों पर कुछ भला हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। अच्छा अफजाल जी, क्या लगता है सपा बसपा गठबंधन से आपको सांसद बनना, इससे कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा? यहाँ पे जो आप कार्य करवाना चाहते थे, पब्लिक जो चाहती थी, जिस लेवल पे आप कार्य करवाना, कहीं भाजपा ने टारगेट किया आपको, उस वजह से कुछ चीज़ें रह गई? देखिए, उसको एनालिसिस करके देखिएगा तो लंबा समय लगेगा। 19 मई को वोटिंग हुई थी, पिछले 2019 की वोटिंग 19 मई को हुई थी, 23 मई को गणना हो गई थी, जून में शपथ ग्रहण वगैरह हो गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि फरवरी में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, फरवरी 20, और फिर फरवरी 20 से फरवरी 21 और 22, ये दोनों साल तो बहुत तबाही वाला रहा, बर्बादी वाला रहा। तो उसके बावजूद जो 2022 के बाद मौका मिला तो जो हो सकता था उसकी कोशिश की गई। सरकार जो एक मंत्रिपरिषद में बैठा हुआ आदमी जो निर्णय ले सकता है, एक कोई साधारण सांसद या विधायक नहीं ले पाता। लेकिन एक चीज़ में हमने कोशिश की और उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। जहाँ सांसद विकास निधि तक रिलीज़ नहीं हुई 2 सालों तक, और पहले साल की मात्र आधी 1 किस्त रिलीज़ हुई, तो छोटे मोटी जनता की ज़रूरतें और विकास के अन्य बड़े जो मापदंड थे वो सब ठप से थे। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से PMGSY एक योजना है, इसके अंतर्गत जनपद में या अपने लोकसभा क्षेत्र में जो ऐसी सड़कें हैं जो पहले कभी अस्तित्व में रहीं लेकिन वो अब अस्तित्व खो चुकी हैं और वो एक दूसरी सड़कों से जुट करके कनेक्टिविटी के काम आ सकती हैं, तो ऐसी सड़कों को आप निकालिए और उसका प्रस्ताव लाइए, मानक के अनुरूप होगी तो विभाग उसका प्राकलन बना देता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय बजट देता है। तो ये इसमें भरपूर बजट था, मैंने इसी को टारगेट किया और गाज़ीपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में 2019 से 23 वाले में 268 किलोमीटर सड़क PMGSY से बनवाने में सफल हो गए, 198 करोड़ रुपया उस पर व्यय हुआ। और एक और जो दूसरी सूची थी उसमें 194 किलोमीटर सड़क, वो भी उसका प्रस्ताव कर दिया, वो भी सारे मानकों को पूरा कर दी। अब उसका टेंडर होना था, जब तक चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर दी, उधर मैं भी टेंडर होने के पहले ही मुझे भी कंट्रोवर्सी में लेकर के यहाँ एक केस में सजा करके जेल में डाल दिया गया। ये मई का ही महीना था, हमारी 29 अप्रैल से मैं जेल में, 1 साल हो गया डिस्टर्ब हुए, लेकिन फिर भी हमें संतोष है कि हमने सड़क के क्षेत्र में शायद पूर्वांचल में कोई ज़िला हो, कोई लोकसभा हो जहां 268 किलोमीटर नई सड़क PMGSY में बनी हो। अब छोटी मोटी और जो ज़रूरतें हैं उसको करते रहते हैं। करीब 65 गांव ऐसे हैं जहां हमने छोटी छोटी सीसी सड़कें 100-200 मीटर जो पब्लिक के गांव में भीतर चलने वाली होती हैं, 500 सोलर लाइट, इंडिया मार्ट लाइट, 350 से ज़्यादा इंडिया मार्का 2 हैंड पंप, जबकि भारत सरकार ने इंडिया मार्का 2 हैंड पंप बंद कर दिया और उन लोगों ने तय किया कि हर घर को जल और नल देंगे, ये स्कीम फेल हो गई गाज़ीपुर में, अरबों रुपया लगा रखा है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि गाज़ीपुर नहीं, पूरे यूपी में और जहाँ भी ये चला रहे हैं,
ये फेल हो जाएगी। हर घर में नल ये बड़े शहरों में भले सफल हो जाए, गांव में नहीं हो सकती। यहाँ का भूगोल इस तरह का है, अब गाजीपुर में 11 नदियाँ हैं, तो बाढ़ के ज़माने में कितनी सड़कें बह जाती हैं, पाइपलाइन सब बढ़ जाएगी। तो वो इनकी बहरहाल एक गांव आज तक सेचुरेट नहीं हो सका, 5 साल से इन्होंने इसी पे बीड़ा उठा रखा है, और जो हैंडपम्प की व्यवस्था थी उसको ठप कर दिया है। तो हमने ऐसे छोटे बड़े कार्य, जिसमें विद्यालय है प्राइवेट, एड नहीं है उसको, उसकी मान्यता है विद्यालय को मैं पढ़ने के लिए बच्चों के लिए अतिरिक्त क्लास बनवा देना, और इस तरह की कार्य योजनाओं को जो पीएम उसमें सांसद विकास निधि के माध्यम से कराई जा सकती थी कराया, और पीएमजीएसवाई के माध्यम से बहुत व्यापक बड़े पैमाने पे इन सड़कों का जो निर्माण हुआ वो हमारे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में एक विकास के पथ पर मील का पत्थर साबित हो रहा। भाजपा के लोग घबराते हैं तो यही कहते हैं कि वो 268 किलोमीटर जो बनी है वो तो पीएमजीएसवाई है और उसका बजट तो दिल्ली सरकार से आया है। अरे भैया, भारत सरकार ही बजट दे रहा है जो गंगा नदी पे पुल बन रहा है, लेकिन अगर मनोज जी के वक्त का प्रस्तावित पुल अगर बन रहा तो उनके निजी घर से बन रहा, और अफजाल अंसारी एज ए सांसद प्रस्तावित करते हैं और कोई कार्य योजना पास होती है और उस पर बजट आता है वो काम होता है तो मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों के आपसी बहस का मुद्दा ये है, ख़ासतौर से भाजपा के लोग कहते हैं कि अफजाल अंसारी साहब ने क्या किया। मनोज सिन्हा का गांव है मोहनपुरा, फखराबाद से मोहनपुरा को गांव को जाने वाली सड़क भी अफजाल अंसारी ने बनवाया, और क्या बताएं, क्योंकि मनोज सिन्हा अपने पैतृक गाँव पर रहते नहीं, वो बनारस में घर बना चुके रहते हैं, वो सत्ता छमाही आते थे, अब तो खैर बेटा आ गया है तो रहने लगे, कुछ दिन से घर और बन गया है सिन्हा जी का, आना जाना 6 महीने में होता रहता है घर पे। एक प्रश्न और है पब्लिक का, लगातार अंसारी परिवार को इस पूरी सरकार में टारगेट किया गया, आपको भी टारगेट किया गया और लोग के जो परिवार के थे लगातार टारगेट किया जाता है, और उसके बाद इतनी सिंपलिसिटी से आप बात कर लेते हैं, टारगेट जो किया जाता है इस पर लोग पूछते हैं आखिर टारगेट क्यों किया गया। देखिए, हम ही को नहीं टारगेट किया गया, आपके देखने में हमारे लिए बात है, ये जो भी जहाँ मजबूत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटना टेक के या उनकी वॉशिंग मशीन में घुस के अपनी धुलाई नहीं कराना चाहते हैं, वो गलत को गलत कह रहे हैं, और उनके लोगों के द्वारा समाज में जो बुराइयां फैलाई जा रही हैं उनको रोकने में उनका योगदान है, तो फिर उनको वो अपने टारगेट पे लेते हैं, उनमें हम लोग भी हैं। पूर्वांचल की राजनीति में सब कुछ करके और कह के देख लिया उन्होंने, 2022 के चुनाव में सरकार उनकी बन गई, लेकिन आप देखोगे तो अंबेडकर नगर में एक सीट नहीं मिली, जौनपुर में बीजेपी को मात्र एक सीट, आजमगढ़ में एक सीट नहीं मिली, मऊ में बीजेपी को मात्र एक सीट, बलिया में बीजेपी को मात्र 2 सीट, गाजीपुर आइए एक सीट भी नहीं मिली। तो भले उधर सरकार बन गई लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी का जो भी मॉडल दिखाते हैं लोग, किया तो कुछ है नहीं, गिराया है, अपने विरोधियों को सताया है, झूठे मुकदमों में फंसाया है, अहंकार में डूबी हुई बातें सदन और सदन के बाहर और मंचों पर जनता के बीच में कही जाती हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले उत्तर प्रदेश में 10% लोग नहीं हैं, 10%। वो टिकड़म ऐसा करते हैं कि टिकड़म के आधार पर कुछ समूहों में रहने वाली जो जातियां हैं उनके लीडरों को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं। सोनेलाल पटेल, उनके लिए बीजेपी के लोग कहते हैं बहुत बड़ा जातवादी नेता था, तमाम कुर्मियों को इकट्ठा करके इसने पार्टी बनाई थी, लेकिन वही पार्टी उनके न रहने पर जब उनकी बेटी ने संभाल लिया तो उस बेटी को, आओ भाई अनपुरिया तुम बन जाओ केंद्र में मंत्री, अपने पति देव को बना दो उत्तर प्रदेश में मंत्री,
और ले लो, खुद भी लड़ लो लोकसभा का चुनाव, अपने किसी कार्यकर्ता नेता को भी लड़ा लो लोकसभा का चुनाव, अपने समाज का वोट हमको दिला दो। यही चीज़ उन लोगों ने संजय निषाद के लिए कि आप मंत्री बन जाइए, अपने बेटे को एमपी बना दीजिए, वोट अपने समाज का हमको दिला दीजिए। ओम प्रकाश राजभर एक दूसरे के लिए क्या क्या लोग बोलते हैं मैं नहीं दोहरा सकता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आइए, आप मंत्री बन जाइए और बेटे को आप एमपी बना लीजिए मेरे सहयोग से, और अपने समाज का वोट हमको दिला दीजिए। चौहान देख के समाज में दारा सिंह चौहान को जनता ने खारिज कर दिया, तो दारा सिंह चौहान आप भी आइए कैबिनेट मंत्री बन जाइए उत्तर प्रदेश में इन चुनाव के मौके पे, और चौहान समाज का वोट हमको दिलाइए। केशव मौर्य विधानसभा के चुनाव में जनता ने खारिज कर दिया, चुनाव हार गए, लेकिन आइए हम आपको डिप्टी सीएम फिर भी बनाएंगे, क्योंकि आप ही के माध्यम से हमको मौर्य समाज का वोट मिलेगा। ये टिकड़म वाला वोट हटा दीजिए तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के आधार पर वोट देने वालों की तादाद इतनी नहीं है, वो 10 सीट नहीं निकाल सकते, डबल फिगर में नहीं जा सकते। अच्छा, पूर्वांचल में आपका काफ़ी दबदबा माना जाता है, अगर बात की जाए कभी भारतीय जनता पार्टी के सीट्स नेता ने अभी कभी आपको ट्राई नहीं किया, ऑफर नहीं किया कभी? देखो, वो उनका फार्मूला है, जो भी सामने है या तो हमारे सामने नतमस्तक होके हमारी वॉशिंग मशीन में घुस जाए। अजीत पवार के साथ क्या हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण है, आप लोगों के पास होगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है और 23,000 करोड़ का एक घोटाला और पता नहीं कितने हजार करोड़ का एक घोटाला और जांच एजेंसियां इसके गुनाह का भंडाफोड़ करेंगी, और वो चले गए अपने चाचों के पार्टी को तोड़ दिया उन्होंने। आज वो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। चाह तो सबके लिए गया, लेकिन कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी उनके जो कुकर्म हैं वो जनता के सामने आ चुके हैं, कुछ कहने के लिए है नहीं। जनता सुनना चाहती है कि आपने कहा था महंगाई बहुत है, 400 का सिलेंडर और 58 रुपये डीजल और 65 रुपये पेट्रोल और 62 रुपये का डॉलर, आज क्या है? क्या उससे कम हुआ या उससे बढ़ गया, दुगुना हो गया? आपने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त, बात चली थी अन्ना हजारे के आंदोलन में लोकपाल की नियुक्ति, न खाएंगे न खाने देंगे, आज देश कहाँ खड़ा है? गंगा माँ ने बुलाया भी था, गंगा माँ ने बुलाया था, गंगा को अविरल कर देंगे, निर्मल कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, और गंगा मैया को गंदा नाला बना डाला। तो वो जनता के सरोकार के मुद्दे पे कोई बात नहीं है, पाकिस्तान, राम मंदिर, लेकिन सब फुस हो गया। राम मंदिर का आपने नाम लिया, ये आखिरी प्रश्न लूंगा आपसे, राम मंदिर को लेकर कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन अगर सरकार में अगर आ जाती है तो ताला लगवा देगी, ये बातें होती हैं। उनको जैसे बुखार जब आता है टेम्परेचर, तो बच्चों को बुखार आता है तो 103-104 जब हो जाता है तो बकबक बकबक करने लगते हैं सब, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद भी पता नहीं। आप भी सुन रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहा है। आदमी कहते हैं लग रहा कोनो हवा का चपेट में आ गई लोझा बुलावा। तो इनको यही हो गया है, इनके सर पे भूत चढ़ गया कि इंडिया गठबंधन आने वाला है, इंडिया गठबंधन आएगा तो बाबरी ताला लगा देगा, इंडिया गठबंधन आएगा दो भैंस में एक भैंस खुलवा लेगा, इंडिया गठबंधन आएगा तो मंगलसूत्र बचाना मुश्किल हो जाएगा, इंडिया गठबंधन आएगा तो दो घर में एक घर ले लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन का भूत है, और वो बुखार में बच्चा जैसे बकबक करता है, मुजरा शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है, इनके लिए मतलब कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। आखिरी में गाजीपुर की जनता को क्या कहेंगे, 1 तारीख को वोटिंग होनी है, गाजीपुर की जनता को ये कहेंगे कि गाजीपुर की जनता देख करके अवाक है कि सारा हथकंडा डबल इंजन की सरकार ने अपना लिया,
अफजाल अंसारी को रास्ते से हटा दिया जाए, चुनाव न लड़ने दिया जाए। उसके बाद भी अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहा, टिकट समाजवादी पार्टी ने दे दिया तो भाजपा कार्यालय से बताया जाता है प्रेस को कि उनका टिकट कट जाएगा। पर्चा हमारा वैध हो गया तो भाजपा कार्यालय से मेरा पर्चा ही खारिज करने की बात कही जाती है। तमाम तरह की कंफ्यूज करने की बातें, हाई कोर्ट से सजा हो जाएगी, चुनाव रद्द हो जाएगा। गाजीपुर की जनता भली भांति जानती है और मुझे ये उम्मीद है कि जैसे पर्चा भरवाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब आए, प्रचार प्रारंभ हुआ जब तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, अभी प्रधानमंत्री आके गए और तहसील तहसील घूम रहे हैं, हमारे ब्लॉक ब्लॉक अभी घूमेंगे योगी आदित्यनाथ धर्मावतार। अमित शाह आ रहे हैं रोड शो करने के लिए। कोई बचेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका दावा है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक गाजीपुर में सर पटकते जनता के सामने आके उल्टा खड़ा हो जाए। गाजीपुर की जनता वास्तविकता जानती है, 4 तारीख का नतीजा बताएगा कि ये जितना ड्रामा किया गया इसको जनता ने खारिज कर दिया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ अफजाल अंसारी थे, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा उस पर भी बात हुई और ग्राउंड स्तर पर गाजीपुर की आप रियलिटी देख रहे, पब्लिक मसीहा तक कह रही है अफजाल अंसारी को। दूसरी तरफ तमाम तरीके की बयानबाजी बसपा के प्रत्याशी की तरफ से भी हुई, उस पर भी काफ़ी सिंपल तरीके से जवाब दिया। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।